ऐसी इंडस्ट्री है जो शॉर्टकट रास्ता, कहेंगे कि लड़कियां शॉर्टकट रास्ता समझे अपनाती हैं, शोबिज में आती हैं, उनका थोड़ा सा नाम बना है, उनके चाहने वाले भी बढ़ जाते हैं, डिमांडें बढ़ जाती हैं, चाहने वाले आ जाते हैं, कोई गाड़ी ले देता है, कोई कोठी ले देता है। 30-35 साल से जो ज़्यादातर आ रहे हैं प्रोड्यूसर, वो है जो तमाशबीन जहनीत के लोग हैं। ज़्यादातर ये होता है कि कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है लड़की को, वरना कोई उसको फिल्म में हीरोइन लेके करोड़ों रुपए क्यों लगाएगा। गलती इस मुल्क में सभी की है, सबसे बड़ी तो गवर्नमेंट की गलती है कि 74-75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, इस किसी भी गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसको इंडस्ट्री माने ही नहीं। हॉलीवुड ले लें, बॉलीवुड ले लें, वो फिल्मों से अपनी पूरी दुनिया से पैसा कमा रहे हैं, और हम अपनी फिल्मों से अपने मुल्क में भी कुछ नहीं कमा रहे हैं। एक तो फिल्म इंडस्ट्री में गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं रही, फिर हमारी गलती ये है कि हम 80 के बाद ज़्यादा हम उर्दू फिल्में आहिस्ता आहिस्ता कम होती रही, हम पंजाबी फिल्में ज़्यादा बनने लगी, और वो फिल्में थी ज़्यादा सुल्तान राय साहब की, वो सारी पंजाबी फिल्में सुल्तान राय थी, क्योंकि पंजाब का सर्किट बहुत बड़ा है, 250-350 सिनेमा है उस वक्त थे, और सिंध जो था वो चार सिनेमा थे, चार स्टेशन थे, कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर। तो पंजाबी फिल्म जब अनाउंस होती थी तो वो पूरे पंजाब से बुकिंग हो जाती थी, जबकि उर्दू फिल्म में ऐसा नहीं होता था। इसलिए उर्दू मेकर भी पंजाबी फिल्में बनाने लगे, जैसे नदीम साहब ने मुकड़ा बनाई, वहीद मुराद साहब ने मस्ताना माई बनाई, तो आहिस्ता आहिस्ता जो उर्दू फिल्म मेकर थे, डायरेक्टर, वो भी पंजाबी फिल्म की तरफ आ गया, उर्दू फिल्म आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ, जब पंजाबी फिल्में बनी तो वो लग रही थी पंजाब में या कराची में, एक दो हफ्ते के लिए लग जाती थी। पश्तो फिल्में जो बन रही थी वो फ्रंटियर में लग रही थी, वो भी कराची में एक आध हफ्ते के लिए लग जाती थी, मगर उर्दू फिल्म जब बनती थी तो वो चारों सूबों में लगती थी, और इसके अलावा मिडिल ईस्ट लगती थी। फिर हमारा को प्रोडक्शन चल रहा था नेपाल से, श्रीलंका, बांग्लादेश, वाले तो मामी हमारी फिल्म जाती थी, इस्तांबुल भी जाती थी। यानी कि पंजाबी फिल्म जब बनी लाचे और गंडासे वाली, तो चार तो कंट्री आपके नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और तुर्की गया, मिडिल ईस्ट के चार स्टेशन गए, दुबई, अबू धाबी, मिडिल ईस्ट के चार स्टेशन आपके गए, दुबई, अबू धाबी, शारजा लाइन, और चारों सूबे आपके पाकिस्तान के गए। इससे क्या हुआ कि सारा लोड पड़ गया आपके पंजाबी या पश्तो पर, उर्दू फिल्में ख़त्म हो गई। ये सबसे बड़ा हमारा तबाही का बाइस बना। मगर आप देखें कि इंडिया हिंदी लिखता है और उर्दू फिल्म बनाता है, और पूरी दुनिया में उसकी उर्दू फिल्म चलती है। अब कुछ अरसे से सरदारों ने पंजाबी फिल्म जो सिखों ने बनाई, वो हमारी देखा देखी बनाई है, मगर उन्होंने सॉफ्ट बनाई है, उन्होंने इंटरटेनमेंट बनाई है, फैमिली बनाई है, लव स्टोरी बनाई। हम अपने गंडासे और कलशंकों से बाहर नहीं निकले, खून स्क्रीन पे हम खून बहाते रहे। एक टाइम में हीरो हमारे 50-50, 100-100 लोगों को मारता गया, हीरो और विलन वाले डीएसपी एसपी को ऐसे मारते और गालियां देते हैं जैसे कि एसपी डीएसपी कोई छापड़ी लगाने वाला आदमी, यानी कि आपने पुलिस का इमेज भी गंदा किया फिल्मों के जरिए। तो ये सारी गलतियां हैं जो आज हम सजा भुगत रहे, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, तबाही की तरफ चले गए। मगर जो दोबारा इंडस्ट्री हमारी कुछ चली है, अब मैं समझता हूँ अपने पांव पर खड़ी हो, उसका मैं सिर्फ क्रेडिट पाकिस्तान में सिर्फ एक आदमी को देता हूँ, उसका नाम है हुमायूं सईद। देखें हमारे शान साहब ने इतना पैसा कमाया है, मोहम्मद राना ने इतना पैसा कमाया है, जान डम्बो है, बाबर अली है, सऊद, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि फिल्में बनाए। शान साहब को प्रोडक्शन का शौक है, मोहम्मद राना को भी शौक है, ये आज भी सोचते हैं कि फाइनेंसर आए अपने पैसे से फिल्म बनाएंगे जो कमाया। भाई अगर आपने इतना कमाया है तो डायरेक्शन का शौक है तो फिल्म आप खुद बनाएं और एज ए हीरो भी काम करें। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, जबकि इंडिया में सलमान खान भी फिल्म बनाता है अपनी, सैफ अली खान भी बनाता है, आमिर खान भी बनाता है, यहाँ नहीं बनाते, यहाँ सिर्फ हुमायूं सईद ने बनाई। हुमायूं सईद ने जब फिल्म बनाई मैं हूँ शाहिद आफरीदी, उस फिल्म को लगने के बाद, और इस फिल्म यही फिल्म ट्रेंड सेटर है, हुमायूं सईद ट्रेंड सेटर है, क्योंकि इस फिल्म के बाद कराची में शुरू हुई नामालूम अफराद, नबील कुरैशी फैजाली के, यासिर नवाज की रॉन्ग नंबर, हुमायूं सईद ने शुरू की जवानी फिर नहीं आएगी, ये तीनों फिल्में ईद को लगी, और इसके बाद, और ये तीनों फिल्में कामयाबी हुई क्योंकि तीनों फिल्में इंटरटेनमेंट की थी।
इसके बाद क्या हुई कि एक ही कराची में फिल्में धड़ाधड़ बनने लगी, लाहौर में बनी मगर लाहौर में इस तरह से नहीं बनी, और जो बनी वो फ्लॉप हो गई। यानी कि बदकिस्मती ये है कि जो हमारे लाहौर के मेकर थे, जो पाकिस्तान के सही मानों में उर्दू पंजाबी फिल्म को सही मानों में डायरेक्टर थे, जैसे सैयद नूर साहब ने बनाई चेन्नई आएगा, फ्लॉप हो गई। जावेद शेख साहब भी लॉलीवुड लाहौर के डायरेक्टर माने जाते हैं एक्टर, वो कराची चल रहे, उन्होंने वहां कराची में फिल्म बनाई वजूद, डेट फ्लॉप, फिल्म फ्लॉप हो गई। फैसल बुखारी साहब ने तीन बड़े प्रोड्यूसरों के साथ, चौधरी कामरान साहब, माना साहब और मियां अमजद फरजंद, ये तीन प्रोड्यूसर थे और फैसल बुखारी, उन सबने फिल्म ब्लाइंड लव बनाई, वो फ्लॉप हो गई। शहदाज शफीक साहब हालत बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, फिल्म भी अच्छी बनाई, उन्होंने बनाई सलूट, वो फ्लॉप हो गई। संगीता आपन ने फिल्म बनाई मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, वो फ्लॉप हो गई। यानी कि आप ये समझे कि हर बड़े डायरेक्टर की फ्लॉप हो गई, और कराची से जो नए नए डायरेक्टर उठे नबील कुरैशी, यासिर नवाज, नदीम बेग, उनकी फिल्में हिट होना शुरू हो गई। मकसद ये देखे ना, ये भी बदकिस्मती है मुल्क की कि कल के जो नए लड़के हैं जिन्होंने इन डायरेक्टरों से काम देख के सीखा है, उनकी फिल्में हिट होने लगी, जो उस्ताद है उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही। जो आता है हीरोइन की बात करता है, ना आप हीरो चाहते हैं, ना आप नया डायरेक्टर चाहते हैं, नया राइटर चाहते हैं, सिर्फ हीरोइन नहीं चाहते हैं। तो भाई फिल्म सिर्फ हीरोइन से नहीं चलती, असल में शो भी ऐसी इंडस्ट्री है जो शॉर्टकट रास्ता, कहेंगे कि लड़कियां शॉर्टकट रास्ता समझे अपनाती हैं, क्योंकि वो कहीं जॉब करेगी तो पैसा नहीं कमा सकती, शोबिज में आती हैं, उनका थोड़ा सा नाम बना है, उनके चाहने वाले भी बढ़ जाते हैं, डिमांडें बढ़ जाती हैं, चाहने वाले आ जाते हैं, कोई गाड़ी ले देता है, कोई कोठी ले देता है, बेचारे लड़के को कोई पूछता ही नहीं है। तो ये बदकिस्मती है कि लड़की की वैल्यू है, लड़की की कीमत है, और आपको पता है शोबिज में, फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर आज के दौर में जो 30-35 साल से जो ज़्यादातर आ रहे हैं प्रोड्यूसर, वो है जो तमाशबीन जहनीत के लोग हैं, उनके जो लड़की पसंद करते हैं उसको हीरोइन लेते हैं, फिल्म बनाते हैं, उस लड़की को सपोर्ट भी करते हैं, घर भी ले देते हैं, गाड़ियाँ भी ले देते हैं, इसलिए लड़कियों के पास सब कुछ आ जाता है, लड़की जल्दी तरक्की कर जाती है, जबकि लड़का स्ट्रगल ही करता रहता है। हाँ, जब तक उसका कोई प्रोजेक्ट हिट नहीं होता तो वो स्ट्रगल करता है, जहाँ प्रोजेक्ट हिट होता है और उसकी डिमांड बढ़ती है, लोग उसको लेते हैं, जब उसको काम मिलने लगता ज़्यादा तो फिर उसके पास भी पैसा आता था, वो भी गाड़ी और घर ले लेता, मगर उसको टाइम लगता है, मगर लड़कियों को इतना टाइम नहीं लगता। ज़्यादातर ये होता है कि कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ता है लड़की को, वरना कोई उसको फिल्म में हीरोइन लेके करोड़ों रुपए क्यों लगाएगा? तो वही लगाएगा ना जिसका दिल आएगा, जिससे अंडरस्टैंडिंग होगी, वो आप उसके लिए लगाएगा ना। या तो लड़की हीरोइन की इतनी कीमत वैल्यू हो कि उसके नाम पर फिल्म बिकती हो तो कोई बात नहीं, जिसके नाम पर कुछ बिकता ही नहीं है उस पर वो 1.5 करोड़ 1 करोड़ लगाए या 75-80 लाख लगाए, तो कोई तो उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, कोई ताल्लुक बनेगा, तो उसके ऊपर कोई खर्च करेगा, वरना कोई क्यों करेगा खर्च? नहीं, ये सब गलत बातें ये नहीं कहनी चाहिए। बात है कि वैल्यू है, अगर उनको शाही साहब की ज़रूरत होती तो शाही साहब को या गुलाम उद्दीन साहब की होती, गुलाम उद्दीन साहब को यहाँ से लेते हैं, और वहाँ जाके जो सना काम कर रही है या एहसन खान कर रहा है, फैसल कुरैशी कर रहे हैं, वो यहीं से सब गए हैं। मीरा भी अक्सर जाके वहाँ जाके काम करती है, तो जो ज़रूरत होती है लाहौर वाले भी ले। बात यह कि हम लाहौर वाले ख़ुद अपना इतना अच्छा काम करें कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े कि कोई कराची वाला ले या ना ले, हमें अपनी प्रोडक्ट अच्छी बनानी है, हम अच्छी कहानी पे काम करें, हम अच्छा म्यूज़िक बनाएं, अच्छे लड़के लड़कियों को लेके आए फिल्म में, पुराने लें, पुरानों को ख़त्म नहीं करना चाहिए, पुरानों को अपनी वैल्यू है, मगर आप उनके अच्छे अच्छे रोल रखवाएँ, उनको करेक्टर अच्छा कराएँ, बस साथ में हीरो हीरोइन अच्छे अच्छे लड़के लड़कियाँ लाएँ, और लाएँ बाहर से, कोई टीवी स्टेज का ना हीरो हीरोइन ना है, आप बाहर से लाएं, उनसे एग्रीमेंट करें कि वो फिल्म के अलावा उनको कहीं काम वो नहीं करें, ना टीवी करेंगे ना स्टेज करेंगे, इस शर्त पर उनको हीरो हीरोइन लें और उन पर मेहनत करें, पैसे लगाएं, एडवर्टाइजिंग करें, तो वही हीरो हीरोइन बन जाएंगे। क्योंकि कोई भी हीरो हीरोइन एक दफ़ा तो नया आता ही है ना, बाद में पुराना होता है, तो आपको जो नया लेके आएंगे उसकी एडवर्टाइजिंग इतनी अच्छी करें कि उसकी लाइकिंग बने और लोग उसको देखना चाहेंगे कि सर में देखें जाए ये कौन लड़का लड़की आ रहा है जो इतना खूबसूरत लड़ रहे हैं, पिक्चर्स तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, चीज़ें उनके गाने चल रहे हैं, प्रोमो चल रहे हैं चैनलों पर, तो लोग देखेंगे। क्योंकि बात यह कि आप जिसको भी लाते हैं उसको
उसकी इतनी अच्छी एडवर्टाइजिंग करें, लॉन्चिंग करना पड़ता है, चाहे आप किसी को भी ना है, उसको एक दफा आपको प्रमोट करने के लिए उसकी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। जब करेंगे तो वो पब्लिक में पॉपुलर होगा, तो फिल्म में भी लोग देखने आएंगे उसको। सोशल मीडिया की अपनी वैल्यू है, मगर बड़े स्क्रीन की अपनी वैल्यू है। बड़ा स्क्रीन कभी नहीं ख़त्म हो सकता है। सिनेमा का एक माहौल होता है, सिनेमा की एक एंजॉयमेंट होती है कि जब हम बैठे होते हैं, लोग बैठे होते हैं, आवाज़ें आ रही हैं, शोर गुल इंटरवल होता है, कॉफ़ी पॉपकॉर्न चाय पिया जा रहा है, सिगरेट लोग पी रहे हैं, डिस्कस हो रही, फिर इंटरवल खत्म देखते हैं। और फिल्म का अपने सिनेमा का एक माहौल है, इसका एक मज़ा अलग है। तो दुनिया में कुछ भी आ जाए, सिनेमा कभी नहीं ख़त्म हो सकता, ये जो लोग कहते हैं वो गलत हैं। हाँ, लोग देखते हैं, शॉर्ट है देख लेते हैं। अब टिकटॉक पे लोग लड़के लड़कियां काम करते हैं, मगर टिकटॉक वाला हीरो हीरोइन नहीं बन सकता, क्योंकि टिकटॉकर को तो आप मुफ्त में इसमें देखते हैं, और सिनेमा में आपको उसको 1000 रुपये का टिकट लेके देखना पड़ेगा। तो उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी खूबसूरत और इतनी परफॉर्मर होगा उसको सिनेमा पर लोग देखने आए, तो आपको सिनेमा का एक्टर अलग ही होगा। टिकटॉकर से कोई हीरो हीरोइन नहीं बन सकता, ये मेरा दावा है। अगर टिकटॉक से टिकटॉकर हीरो हीरोइन बन जाते ना, तो फिर तेरे बाजरे की राखी में जन्नत मिर्जा को देखने क्यों नहीं आए लोग? उसके तो 1.5-2 करोड़ सबके अराइवर हैं, व्यूअर्स है, लाइक करते हैं उसको, तो उसमें से 1-2 लाख भी फिल्म देखने नहीं आया। नहीं, नूर साहब बहुत अच्छे हैं, काबिल डायरेक्टर हैं, बड़े डायरेक्टर हैं, उनके जहन में भी नहीं था कि ये प्रॉब्लम्स आएगी। उन्होंने तो सोचा था कि लड़की खूबसूरत है और इसकी लाइकिंग है, व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मिल के लिया है, यानी कि नूर साहब ने अकेले लिया, कोई उनका कोई कसूर है, नूर साहब ने भी लिया, सईद नूर साहब ने भी लिया, और सफदर मलिक साहब ने, इन सबके आपस में मशवरों के बाद उसको लिया गया है।